यही दोस्तों BS6 हीरो HF डीलक्स, आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो आपको बताएंगे इसकी इसमें BS6 में क्या चेंज आते हैं, इसमें क्या नया दिया गया है BS6 इंजन के साथ। अब एजेंसी में तो थोड़ा नॉइस ज़्यादा हो रहा होगा, उसके लिए सॉरी। तो चलिए इसका रिव्यू शुरू करते हैं। इसको आपको फ्रंट में कुछ इस तरह का फ्रंट आपको इसमें देखने को मिलता है, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, 3D इफेक्ट में क्रोम देखने को मिलता है इसके ऊपर। इसमें आपको ये मडगार्ड देखने को मिलता है ब्लैक कलर का। इसमें आपको फ्रंट टायर की बात करते हैं, आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं इसमें आपको 18 इंच के, और इसमें आपको यहाँ रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, और आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है इसमें, और इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है दोस्तों आपको इसमें। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, बल्ब, और अगर यहाँ की बात करें साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको न्यू ग्राफिक्स दिए गए हैं, और आपको ये ब्रांडिंग देखने को मिलती है हीरो की। और यहाँ पर आपको प्रोग्राम्ड FI देखने को मिलता है, जो इसकी BS6 इंजन में सभी गाड़ियों में आपको मिल रहा है प्रोग्राम्ड FI। और इसमें आपको यहाँ पर 100 CC का इंजन देखने को मिलता है। यहाँ आपको किक स्टार्ट देखने को मिलेगा, किक स्टार्ट, ये आपको ब्रेक, रियर ब्रेक यहाँ आपको ये दिया गया है साइड में, और ये कुछ इस तरह की आपको यहाँ HF डीलक्स की बैंडिंग देखने को मिलती है साइड में, गाड़ी की साइड में बीच में। और यहाँ पर आपको ये पैर रखने का मिल जाता है पीछे रियर का पिलियन के लिए। और यहाँ आपको कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं इस तरह का। और यहाँ आपको सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि ब्लैक फिनिश में आता है। और अब बात करते हैं इसकी सीट की, तो इसकी सीट की कुशनिंग ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और अब बात करते हैं रियर के बारे में, तो इसमें आपको रियर में यहाँ टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको मिल जाता है LED बल्ब, नहीं यहाँ आपको बल्ब मिल जाता है रियर टेल लाइट में। यहाँ आपको नेम प्लेट लगाने की जगह मिलती है, यहाँ रिफ्लेक्टर मिलता है। और अब इधर साइड में आके बात करें, तो यहाँ पर ये आपको इंडिकेटर मिल जाता है, ये आपको कुछ इस तरह का मिलता है, ये नीचे होके यहाँ पर अभी जुड़ेगा, ये अभी गाड़ी खड़ी है, ये आपको यहाँ पैर रखने का ये मिल जाता है। और यहाँ पर आपको सस्पेंशन, यहाँ पर भी HF डीलक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। रियर में भी आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको फोर स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, गियरबॉक्स, प्रोग्राम में FI की बैजिंग मिल जाती है आपको, BS6 इंजन इसमें प्रोग्राम्ड FI टेक्नोलॉजी आती है इसमें। और बात कर लेते हैं ऊपर की, तो आपको यहाँ पर यहाँ प्लस देखने को मिलता है आपको, यहाँ BS6 इंजन है तो आपको यहाँ ऊपर नीचे हेडलाइट बंद करने का नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा आपको ये गाड़ी में। यहाँ पर आपको स्पीड दिखाएगा, यहाँ पर फ्यूल दिखाएगा, यहाँ पर न्यूट्रल लाइट, यहाँ पर इंजन की लाइट, और यहाँ पर आपको हेडलाइट का दिखाएगा। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक की जो है वो इस तरह का देखने को मिलेगी। और देखिए यहाँ इसमें आपको फ्रंट में 110 mm के ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, IBX की बैजिंग यहाँ दी गई है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है इस साइड में भी। और यहाँ आपको चेन में कुछ इस तरह का फाइबर का कवर है। ये थी दोस्तों BS6 HF डीलक्स की रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।